अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, हैप्पी रहो, सलामत रहो। गांव में सुबह की रूटीन, सुबह सुबह नाश्ता रेडी हो जाता है, मक्खन, फ्राई अंडे, बॉयल अंडे और चाय, साथ में बिस्किट, अगर किसी का गला ख़राब हो तो वो बिस्किट खा लेगा, और साथ में कड़क चाय और पराठे। बहुत ज़बरदस्त नाश्ता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नाश्ता हमने किया। अल्लाह पाक सबको दे, आमीन। ये रात के खाने की तैयारी हो रही है। ये लोग पहले प्याज फ्राई करते हैं, उसके बाद इसमें गोश्त डाल के वो भी फ्राई करते हैं अच्छे से, उसके बाद इसमें टमाटर, लहसुन, मिर्च और नमक हसबे ज़ायका डाल लेते हैं और खूब अच्छी तरह भून लेते हैं। उसके बाद इसमें पानी डालते हैं और बीफ का शोरबा तैयार कर लेते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त जायका होता है, बहुत ज़बरदस्त सालन होता है। और इसमें धनिया भी डालते हैं, धनिया और सब्ज़ मिर्चें। तो रेसिपी भी मैंने बता दी, आप भी ट्राई करना, ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त शोरबा बनता है। यहाँ पे सारी कुकिंग लकड़ी की आग पे होती है, तो इसलिए यहाँ का सालन, रोटी और चाय सबका जायका ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। हमें तो अपने घर का भी अच्छा नहीं लगता जितना यहाँ पे हमें गांव में अच्छा लगता है जायका, खानों का ज़बरदस्त। ये सालन रोटी के साथ भी खाते हैं, और अगर पेंडा सोबात का दिल करे तो इसमें हम लोग पेंडा बनाते हैं। बड़े थाल में रोटी डाल के टुकड़े टुकड़े करके उस पे ये सालन डाल लेते हैं, और उसके बाद देसी घी का तड़का भी लगा लेते हैं, तो ज़बरदस्त जायका आता है। जिसको आप लोग सोबात कहते हैं, हम उसे पेंडा कहते हैं गांव के लोग, तो बहुत ज़बरदस्त जायका होता है। लेकिन अगर यही जायका चाहिए गांव वाला, तो लकड़ी की आग से ही ये जायका आएगा, लकड़ी की आग पे ही पकाने से ये जायका आता है, ज़रूर ट्राई करना। मेरी एक भांजी है तोहफा गुल, तो वो घर में चाय पीती भी नहीं है, बिल्कुल चाय नहीं पीती, कि मेरा दिल ख़राब होता है चाय से, वो कहती है। लेकिन जब गांव में जाती है तो लकड़ी की चाय, लकड़ी पे जो चाय पकती है वहाँ पे, वो चाय इसे इतनी पसंद है कि बार बार पीने को उसका दिल करता है। फिर ना उसका दिल ख़राब होता है ना कुछ होता है, यानी आग वाली, लकड़ी की आग वाली गांव वाली चाय और सालन सबका जायका बेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त। अब सालन में एक दो उबाल आ जाएँ तो बस रेडी है। अब बनाते हैं स्वीट डिश, ये गुड़ से बनता है, पता नहीं आप लोग इसे क्या कहते हैं, हम तो कड़ाकी कहते हैं पश्तो में।
रात का खाना बिल्कुल रेडी है। एक डिश हमने अपने किचन में भी बनाई, नमकीन बीफ कढ़ाई, तो वो भी तैयार की हमने। और बाहर जो आग पे सालन बनाया था वो भी रेडी है। तो बस फिर तो डिनर करते हैं, हमारे साथ रहें। और अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सलामत रहो सब, आमीन।